आज हम बनाएंगे द यम्मीएस्ट डिजर्ट कीवी ट्रिपल विथ वनीला क्रीम इन मिडल एंड गाजर का हलवा ऑन टॉप। इट जस्ट टेस्ट डिलीशियस। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम जेली लेंगे। जेली के जितना ही हम इसमें वाटर ऐड करेंगे और इसे गैस पे बॉईल होने तक स्टिर करेंगे। जब तक ये बॉईल हो रहा हो हम कीवी को क्यूबिकल शेप में कट कर लेंगे। ये लगभग हो चुका है। अब ग्लास में इसे ऐड करें। फर्स्ट लेयर कीवी का होगा, ये बॉईल होने वाला है एंड अब ये बॉईल हो रहा है। अब गैस का स्विच ऑफ कर दें और इसे ग्लास में ट्रांसफ़र कर लें। अब दूसरे लेयर के लिए हम क्रीम लेंगे। क्रीम में वैनिला एसेंस ऐड करेंगे एंड शुगर। इसे विस्क करें, अच्छे से स्टेयर करें एंड बीटर से बीट कर लें। अगर बीटर ना हो तो ये हाथ से भी बीट हो जाएगा, बट इट विल टेक सम टाइम। इस तरीके से लगभग हाफ एन आवर लगते हैं और ये बीट हो जाता है। ये लगभग हो चुका है। अब कुछ ऐसा कंसिस्टेंसी होना चाहिए। अब सेकेंड लेयर इसका हम ट्रांसफ़र कर लेंगे ग्लास में इस तरीके से। सेकेंड लेयर के बाद अब हम थर्ड लेयर प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले एक कढ़ाई में घी ऐड करें। जब घी गर्म हो जाए तो ड्राई फ्रूट्स हम फ्राई कर लेंगे लगभग कुछ सेकेंड तक। फिर हम इसमें ग्रेट किया हुआ कैरेट ऐड करेंगे। अब हम इसमें इलायची पाउडर ऐड करेंगे, मिक्स कर लें। लगभग 2 मिनट के बाद इसमें मिल्क ऐड करें। मिल्क थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, जितना ज़्यादा होगा टेस्ट बढ़िया ही होगा मिल्क से। बहुत ज़्यादा भी ना लें। अगर आपको कैरेट का ऑरेंज कलर पसंद है या रेड कलर पसंद है तो इसमें मिल्क ज़्यादा ऐड ना करें। हमने इसमें केसर स्ट्रिप्स मिलाया। अब इसमें हम ऐड करेंगे शुगर। शुगर बहुत अंतिम में ऐड करना है, लास्ट में जब पूरा मिल्क सोक होने लगे, अदरवाइज मिल्क फट दूध फट जाएगा। ये गाजर का हलवा बनकर तैयार है। अब इसका थर्ड लेयर ग्लास में डेकोरेट करें जैसे चाहें वैसे, ड्राई फ्रूट से, केसर से, फ्रूट से आप डेकोरेट कर सकते हैं। ये बहुत यम्मी लगता है खाने में और बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाता है। इसे ट्राई करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें और अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए।